धन्यवाद चेयरमैन सर, धन्यवाद चेयरमैन सर। आज मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने का अवसर आपने दिया। ये महत्वपूर्ण बिल इसलिए है कि ये बिल जो है, ये विधेयक जो है, वो 52% 52% पॉपुलेशन के लिए लाभदायक साबित होगा। और इनके मैं तो मोदी सरकार को धन्यवाद दे ही रहा हूँ, लेकिन ये 52% लोग, सभी लोग आज दिल से मोदी जी को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी ने अपने आते हुए पहली बार ही कहा था कि ये सरकार गोर गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए इस काम करेगी, और यह बिल लाकर मोदी सरकार ने अपने जो कही हुई बात है वो पूरी की है, ऐसा मुझे लगता है। ये विधेयक लाने की चर्चा और ज़रूरत है ऐसा बताने का सभी ने बताया था, ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी ने भी बताया था, लेकिन अभी 20 साल तक के ये लाया गया नहीं। लेकिन मोदी ने जनरल सभी पिछड़े वर्ग के हित के लिए ये बिल अभी लाया है, और यह कॉन्स्टिट्यूशनल से स्टेटस देने का जो है वो पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है सभी ने पिछड़े वर्गों के हित के लिए इसे समर्थन देना चाहिए। हमेशा मोदी सरकार का जो भी काम है वो पिछड़ा वर्ग एससी एसटी के लिए हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी ने ओबीसी मंत्रालय भी अलग बनाया है, जो कि बीजेपी पार्टी से ही है, क्योंकि अभी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे थे कि इनकी सोच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ओबीसी मंत्रालय भी वहाँ पहली बार बना, जो बीजेपी पार्टी वालों ने ही बनाया है। वैसे ही प्रमोशन में आरक्षण, वैसे ही एट्रोसिटी कानून में कानून को भी सशक्त बनाने का जो काम हो रहा है वो मोदी सरकार से ही हो रहा है। और मुझे इसलिए लगता है कि मोदी सरकार पिछड़े वर्ग के लिए, एससी एसटी के लिए हमेशा काम करती है और करती रहेगी। मुझे ऑनरेबल एमपी साहब ने कहा था, हरिप्रसाद जी ने, कि ये एक पितृ पार्टी है। मेरा कहना ये है कि हम मातृ पितृ परिवार की, हमारी सबकी परिवार की पार्टी है, सबके सबका साथ सबका विकास, ऐसा हमारे पार्टी का कहना है। और मैं उनको बताना चाहूँगा कि धनगर समाज का होकर पार्टी ने मुझे पहली बार इतने 65 सालों में, 70 साल में, मैं पहला सांसद हूँ धनगर कम्युनिटी का, जो कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज़्यादा है। तब विपक्ष सरकार कहाँ थी, ये मुझे उनसे सवाल पूछना है। सर, ओबीसी में करीबन 1000 से ज़्यादा जातियाँ हैं, और उसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट काफ़ी लोग समझते हैं, वैसा न हो के ये अदर बैकवर्ड क्लास है। और जिसमें मंडल आयोग ने कुछ पॉइंट सिस्टम से, जैसे कि शैक्षिक सामाजिक पहले लिया उन्होंने मुद्दा, जिसको उन्होंने 12 पॉइंट दिए शैक्षिक, जिसको 6 पॉइंट दिए, और फिर 4 पॉइंट इकोनॉमिक आर्थिक निकष पर उन्होंने पॉइंट देकर यह लिस्ट बनाई थी, और उस लिस्ट पे ये पॉइंट सिस्टम से ही उन्होंने किया हुआ था। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका उपवर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है, और मोदी सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी इनके जरिए यह उपवर्गीकरण करने की, अभी उपवर्गीकरण करने के लिए एक कमीशन आयोग बिठाया है, और मुझे लगता है उससे उपवर्गीकरण से काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि इसमें 1000 जातियाँ हैं सर। और मैं बताना चाहूँगा कि यह आरक्षण में, अभी माननीय सदस्य ने कहा इकोनॉमिक पे चाहिए, या कुछ लोगों का कहना था हर जाति पे चाहिए, रामगोपाल जी यादव ने कहा हर जाति का अलग करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि उपवर्गीकरण अच्छे से होता है तो यह ज़रूरी नहीं होगा। उपवर्गीकरण में मैं ये चाहता हूँ कि जैसे एससी एसटी में भी कुछ जातियाँ जो पीछे हैं, जैसे मातंग समाज है एससी में, जो मेरे पास आया था, जो कहते थे कि हम अभी भी पिछड़े हुए हैं, हमें जो जातियां सामने गई है वो अभी हम उनके साथ स्पर्धा नहीं कर सकते हैं, वैसे ही मीणा जाति का एसटी में, जो सब जगह बाकी जो एसटी की जनजातियां हैं
उस वो लोग पिछड़े होने की वजह से मीना जाति जनजाति से कॉम्पीट नहीं कर सकते, स्पर्धा नहीं कर सकते, और इसलिए उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं कोई उन जनजाति मीना या बाकी जनजाति से विरोध नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही करीबन ओबीसी में भी यादव या ऐसे कम्युनिटीज़ है जो आगे बढ़ी हुई है, जो पिछड़े जो बचे हुए बाकी जो कास्ट है जो करीबन 1000 के करीबन होगी, वो बाकी जो उन्नत कास्ट है उसमें उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकती और इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकती, इसलिए उसमें उपवर्गीकरण बहुत ज़रूरी है। और उपवर्गीकरण में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जैसे मंडल आयोग का पॉइंट सिस्टम है, वैसे पॉइंट सिस्टम से जिसे वेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम कहेंगे या भारित सूचीकरण कहेंगे, जिसे जो लोग पिछड़े हैं, क्योंकि आरक्षण का उद्दिष्ट ये है कि जो लोग पिछड़े हैं, जो बहुत पीछे गए हुए हैं, अंत्योदय हमारा जो लक्ष्य है, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो जैसे वो पिछड़ापन के कुछ निकष कर सकते हैं, जैसे जिसका एजुकेशन सर जिला परिषद स्कूल में हुआ है या ग्रामीण भाग से वो आ रहा है वहाँ पर उसका एजुकेशन हुआ है या कॉरपोरेशन स्कूल में एजुकेशन हुआ है, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि वो निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ है और उसे आरक्षण का लाभ पहुँचाने के लिए हम कुछ माइनस पॉइंट दे सकते हैं। उसी प्रकार जिसके माँ पिताजी इलिटरेट है, अशिक्षित है, पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, उसके घर में वातावरण नहीं रहता, एनवायरनमेंट नहीं रहता कि वो पढ़ाई करे, और इसलिए उसको प्राधान्य मिलने के लिए हम कुछ माइनस पॉइंट दे सकते हैं। उसी प्रकार जिसके माता पिताजी ने आरक्षण का लाभ लिया है तो उन्हों वो आगे बढ़ गए हैं, तो उनको कुछ प्लस पॉइंट दे के कम प्राधान्य हम दें, ताकि वो जो जिनको जिन्होंने लाभ नहीं लिया वो जो आगे रहना चाहिए और स्पर्धा में आगे जाए, इसलिए इनको प्लस पॉइंट देके हम पीछे रख रहे हैं। उसी प्रकार मैं धनगर कम्युनिटी का हूँ, लेकिन मेरा बेटा और एक भेड़िया पालने वाला जो जंगल में या फॉरेस्ट में घूम रहा है उसका बेटा, यदि उनकी स्पर्धा होती है, उनकी कंपटीशन होती है, तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा ही हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि वहाँ वातावरण एनवायरनमेंट नहीं है। इसलिए जो घुमंतु है उनको कुछ माइनस पॉइंट देके प्राधान्य देना चाहिए, ताकि जो भी पिछड़े हैं उनको हमेशा हम आगे लेके जाएं और वो साथ में आरक्षण का लाभ लेके सबके साथ आगे आए। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे कुछ निकष बनाए, और मुझे लगता है यह निकष मैंने 11 मुद्दों का बनाया हुआ है, लेकिन वक्त कम होने से मैं 4 पे ही सीमित कर रहा हूँ, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके के यदि उपवर्गीकरण करते हैं तो जैसे कहा गया था कि हर जाति के लिए कुछ आरक्षण लगेगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि वैसा भी करते हैं तो कुछ परिवार ही इसका बार बार लाभ उठाएंगे, और जो हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो ये ना हो, इसलिए मुझे लगता है वेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम या भारित सूचीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा धनगर आरक्षण का भी वही विषय आता है, मराठा आरक्षण के लिए भी वैसे ही विषय आता है कि उसमें जो भी आरक्षण देंगे हम, मोर्चे बड़े बड़े होते हैं तो आरक्षण देना चाहिए, लेकिन लाभ तो वही लोग लेंगे उसी समाज के जो आगे आए हुए हैं, ऐसा न हो, इसलिए यह वेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और उसी तरीके से उसका वर्गीकरण भी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कास्टिज्म भी कम होगा, क्योंकि क्या है, जब कोई आईएएस ऑफिसर का लड़का बहुत कम मार्क मिलने के बावजूद भी आरक्षण की वजह से यदि मेडिकल में एडमिशन ले रहा है, और एक बहुत पिछड़ा हुआ उसका लड़का ज़्यादा मार्क लेके भी उसे मेडिकल की सीट जब मिलती नहीं है, तो उसके उसे बुरा लगता है कि ये सोशली शैक्षिक दृष्टिया या इकोनॉमिकली पिछड़ा नहीं है, फिर भी इसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो ये ना हो, इसलिए उसका उपवर्गीकरण हम मागस पिछड़ापन के भरोसे उसका उपवर्गीकरण हमने करना चाहिए, ताकि कास्टिज्म भी उसमें कम कर हो जाएगा। यह सर क्रीमी लेयर नहीं है, क्रीमी लेयर में दो ही पोर्शंस रहते हैं, यस और नो, इसमें हम ग्रेडेशन कर रहे हैं और किसी को भी हम नहीं बोल रहे हैं। यदि सीट खाली रहती है तो कोई भी इनकम ग्रुप का हो, कितना भी आगे हो, हुआ उसी समाज के लोगों को ही वह सीट मिलेगी। मेरा कहना तो यह है कि यदि सीट खाली रह रही है तो उसमें जो सबसे अच्छा कर रहा है उसको प्रशिक्षण दो,
उसे आगे बढ़ाओ और वो सीट उसी को दो, लेकिन ट्रांसफ़र मत करो। और इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अच्छा है। इकोनॉमिक आरक्षण के मैं खिलाफ हूँ और हमारे पक्ष के भी ओबीसी एससी एसटी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि मुझे बताना, मैं सबको बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक आरक्षण हम कहते हैं, लेकिन आज भी मैट्रिमोनियल आप पढ़िए, जहाँ भी शादी के जो रजिस्ट्रेशन रहता उसमें आप पढ़िए तो लिखा रहता है कि ये कास्ट की लड़का या लड़की चाहिए, वो ये कहते हैं कि ये लास्ट की नहीं चाहिए। तो इसलिए सामाजिक आरक्षण की बहुत जरूरी है, लेकिन सामाजिक आरक्षण में भी पिछड़े जो है उनको प्राधान्य हम दे तो हम ये व्यवस्था और अच्छे से ताकतवर कर सकते हैं। और इस बिल में ये आया हुआ है और मुझे लगता है मोदी सरकार ने जो आयोग बिठाया है वह यह पिछड़ापन का जो वर्गीकरण है उस पर विचार करके इसको लागू करेगा। और इस बिल को मैं समर्थन देके मेरे शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।